ओमिक्रॉन वेरिएंट के भारत में बढ़ते मामलों के बीच कमर्शियल पैसेंजर सर्विस के निलंबन को 31 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है कि फ्लाइट्स के निलंबन का असर कार्गो और DGCA की मंजूरी वाली फ्लाइट्स पर नहीं पड़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने नगरीय निकायों में केंद्रीय सेवा के 97 पदनामों का नए सिरे से निर्धारण कर दिया है। अब इन पदों पर पारदर्शी तरीके से भर्तियां व पदोन्नतियां हो सकेंगी। भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों से घिरे निलंबित IPS अधिकारी अभिषेक दीक्षित की मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही हैं। सतर्कता अधिष्ठान विजिलेंस की जांच में अभिषेक दीक्षित प्रयागराज के SSP के पद पर तैनात रहने के दौरान भ्रष्टाचार के दोषी पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग में अधिकारियों व कर्मचारियों के आश्रितों को अब किसी भी जिले में नियुक्ति मिल सकेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि दुष्कर्म पीड़िता की सहमति के बिना पितृत्व निर्धारण के लिए उसकी संतान का DNA टेस्ट नहीं किया जा सकता। UP में साइबर अपराध बढ़ते साइबर अपराध पर शिकंजा कसने के लिए पुलिसकर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिलाए जाने के बाद अब जल्द प्रदेश हर थाने में साइबर क्राइम हेल्प डेस्क का गठन होगा। UP में अगले साल होने विधानसभा चुनाव से पहले कई कर्मचारियों को प्रमोशन का तोहफा मिल सकता है। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने कर्मचारी संघों की मांगों से संबंधित बैठक के बाद उनकी समस्याओं के तत्परता से निस्तारण के निर्देश दिए हैं। दो बार चंद्रयान का सफल प्रक्षेपण करने के बाद भारत अब तीसरी बार चंद्रयान को चांद पर भेजने की तैयारियों में जुटा है। वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही में चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण किया जा सकता है। भले ही सुखबीर सिंह बादल हाई ऑक्टेन पंजाब विधानसभा चुनावों में शिरोमणि अकाली दल के लिए प्रचार का नेतृत्व करेंगे, लेकिन पार्टी अभी भी अपने संरक्षक प्रकाश सिंह बादल के भीड़ भाड़ वाले करिश्मे पर भरोसा कर रही है, जो बुधवार को 94 साल के हो गए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया CBO 2021 भर्ती शुरू हो गई है। अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, चेन्नई और जयपुर सकल में इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 1100 CBO पदों को भरा जाएगा, साथ ही 126 बैकलॉग रिक्तियों को भी भरा जाएगा। राजस्थान में जयपुर के RUHS अस्पताल में भर्ती सभी 9 ओमिक्रॉन पॉजिटिव मरीजों की दोनों रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिसके बाद सभी को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और 7 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन में रहने की सलाह दी गई। रायबरेली में रिक्शा चालक ने नाबालिग को बनाया हवस का शिकार, पीड़िता के शोर मचाने पर आरोपी रिक्शा चालक फरार, लालगंज कोतवाली क्षेत्र की घटना। तमिलनाडु के कुन्नूर में विमान हादसे में घायल हुए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को इलाज के लिए बेंगलुरु के मिलिट्री अस्पताल में शिफ्ट किया गया। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन संस्करण का पहला मामला सामने आया। कराची शहर के एक निजी अस्पताल ने 65 वर्षीय महिला रोगी में इस प्रकार के पहले मामले की सूचना दी। मरीज विदेश से देश में आया था। Please subscribe Aviral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video update.